आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। दो चालक ए और बी इस प्रकार से हैं। इन चालकों के धारिताएँ C1 इसकी C2, चालक ए पर आवेश Q1 और बी पर आवेश Q2 है। ए का विभव V1 और बी का विभव V2 है। जोड़ने से पहले ए की स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर होगी और दूसरे चालक B की स्थितिज ऊर्जा U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर होगी। अब हमें दोनों की कुल ऊर्जा निकालनी है तो दोनों का योग कर देंगे, इसलिए निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा है, यानी निकाय की जोड़ने से पहले कुल स्थिति ऊर्जा हो गई। इसके बाद चालकों को जोड़ने के बाद निकाय की धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ चालकों को जोड़ देंगे दोनों चालकों को तो इनका जो विभव है वो समान विभव पर पहुँच जाएगा। आवेश पहले का Q1 दूसरे का Q2 और धारताएँ C1 C2 अलग अलग रहेंगी दोनों की। दोनों का विभव वाहनिष्ठ विभव है और धारता C1 प्लस C2 हो गया। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा जोड़ने के बाद निकाय की स्थितिज ऊर्जा U- मान लिया तो U- इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V2। यहाँ V वाहनिष्ठ विभव है तो इसे V का मान रखने पर हाफ C1 प्लस C2, V का मान है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और स्क्वायर कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास। डेल्टा U ह्रास निकालने के लिए हमें दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, जोड़ने से पहले ऊर्जा U और जोड़ने के बाद ऊर्जा U-। इसको हम डेल्टा U मान लेते हैं तो डेल्टा U इक्वल टू U-U- इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। इन सब में से हाफ कॉमन आ जाएगा। यहाँ कॉमन लेने के बाद C1 प्लस C2 LCM लेकर इसको ऊपर गुणा कर देंगे C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको खोल देंगे पूरा ब्रैकेट को तो C1 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस C1 C2 V1 V2 आ जाएगा अपॉन नीचे LCM C1 प्लस C2 है, ये कट जाएंगे और कैंसिल होने के बाद हाफ C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 यहाँ बचेगा। चूँकि ये V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 को हम V1 - V2 का होल स्क्वायर या फिर V2 - V1 का होल स्क्वायर दोनों लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम V1 - V2 का होल स्क्वायर इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो यहाँ हमें जो ऊर्जा का ह्रास डेल्टा U प्राप्त होगा वो हाफ C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 ये प्राप्त होगा। इस समीकरण से ये क्लियर है कि यहाँ C1 C2 ये धनात्मक राशि है, V1 - V2 का होल स्क्वायर यह भी धनात्मक है, इसलिए हम ये निर्णय ले सकते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं कि ऊर्जा का ह्रास हमेशा धनात्मक होगा, यानी हमेशा ऊर्जा की हानि होगी। संधारित्र यानी कैपेसिटर। संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना
धारिता इतनी बढ़ाई जा सके जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। यहाँ चालक की दो प्लेटें पी और क्यू हैं, ये प्लेट पी है और दूसरी प्लेट क्यू है। प्लेट पी पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर ऊपरी पृष्ठ पर यहाँ प्लस से चिन्ह से दर्शाया गया है। प्लेट क्यू पर प्रेरण के कारण प्लेट क्यू की सामने वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। प्लेट क्यू को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं जिससे इसका जो दूसरी सतह का आवेश है यानी प्लस क्यू आवेश यहाँ जो होगा वो धरती में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार से चालक की धारिता पर्याप्त बढ़ जाती है यानी इसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है प्लेटों का क्षेत्रफल। संधारित्र की धारिता मान लेते हैं सी है, तो संधारित्र की धारिता सी और प्लेटों के क्षेत्रफल ए, इन दोनों के भी ये संबंध होता है कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, सी समानुपाती ए। अतः प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, अगर क्षेत्रफल हम कम कर देंगे तो संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी। दूसरा कारक है प्लेटों के बीच की दूरी। संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के दूरी डी अगर मान लें तो दूरी डी के समान व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात सी व्युत्क्रमानुपाती डी। अतः प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाती है एवं दूरी घटाने पर धारिता अधिक हो जाती है। नंबर तीसरा है प्लेटों के बीच का माध्यम। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम यानी प्रावैद्युत माध्यम जो भरा होता है उसके समानुपाती होती है, अर्थात सी समानुपाती के। अतः प्रावैद्युतांक अधिक होने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है।